हेलो फ्रेंड, मैं इमरान अहमद अंसारी आज आपके लिए एक और आस्तीन की खूबसूरत डिज़ाइन लेके आए हैं। तो चलिए सीखते हैं किस तरह से ये डिज़ाइन बनाया जाएगा। उससे पहले आपको बता दें फ्रेंड, आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और ये बेल आइकन भी दबा लें, जिससे क्या होगा इस तरह की नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड, ये आस्तीन है, इसकी लंबाई यहाँ से देख सकते हैं 11 इंच है, जो पहले से कटा हुआ है। इसमें डिज़ाइन बनाने के लिए हम दूसरे कलर का इस तरह से कपड़ा लेंगे। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जो भी कलर लगाना चाहें। ये देख सकते हैं 5 इंच का है और इसको हम इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। और डबल फोल्ड करने के बाद प्लेट इसमें लगाना है, तो इस तरह से हम प्लेट लगाएंगे इसमें। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं इस तरह से हमको प्लेट लगा लेना है, एक के बाद एक करते हुए। ये बहुत ही ईजी है, इस तरह से हमको प्लेट लगा लेना है और फ्रिल तैयार करना है। तो इस तरह से हम प्लेट लगाते हुए फ्रिल को तैयार कर लेंगे। फ्रेंड ये बहुत ही ईजी है और इस तरह से आप बहुत ही आसानी से प्लेट लगा सकते हैं और फ्रिल तैयार कर सकते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन को आप सूट, कुर्ती, फ्रॉक, ब्लाउज जिसमें भी चाहें आप अपने हिसाब से इसको बना सकते हैं। बहुत ही ईजी है और बहुत ही खूबसूरत है। तो इस तरह से हमको प्लेट लगा लेना है, आप देख सकते हैं। और ये हमारा प्लेट इस तरह से तैयार हो जाएगा। उसके बाद हमको इस तरह से एक कपड़ा और लेना है, जो हमारे आस्तीन का कलर रहेगा, 2 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा हम इस तरह से लेंगे और इसको इस तरह से डिज़ाइन बना लेंगे। डिज़ाइन बनाने के बाद हमको इसमें अटैच करना है, तो इस तरह से हम रखते हुए अटैच करेंगे एक के बाद एक, इसी तरह से बनाते हुए। आप देख सकते हैं इस तरह से हमको एक के बाद एक अटैच करते रहना, बहुत ईजी है। इस तरह से हम डिज़ाइन बनाते हुए इसमें अटैच करेंगे। फ्रेंड ये डिज़ाइन आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, आप देख सकते हैं बहुत ईजी है। इस तरह से हम एक के बाद एक इसमें अटैच करते हुए डिज़ाइन बनाएंगे। तो इस तरह से हमको एक के बाद एक अटैच करते रहना है और डिज़ाइन को तैयार करना है। तो इस तरह से हम डिज़ाइन को तैयार करेंगे एक के बाद एक अटैच करते हुए। फ्रेंड ये बहुत ही खूबसूरत है, तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमको एक के बाद एक इसमें अटैच करते हुए डिज़ाइन को तैयार करना है। और इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं इस तरह से। उसके बाद हम एक कपड़ा और लेंगे, यहाँ से 4.5 इंच का ये कपड़ा है और इस तरह से हम इसको भी डबल फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से एक तरफ हम सिलाई लगा के इसको पैक कर लेंगे। तो इस तरह से हमको सिलाई लगा के पैक कर लेना है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं इस तरह से हमको सीधा सिलाई लगाते हुए इसको पैक कर लेना है। तो इस तरह से हम एक तरफ पैक करेंगे सिलाई लगाते हुए, सीधी सिलाई इस तरह से लगा के हमको इसको पैक करना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये पैक हो चुका है और इसको हम काट के निकालेंगे। काटने के बाद इसको हमको पलटना है, तो इस तरह से हम इसको पलटेंगे। तो आप किसी चीज़ से इसको पलट सकते हैं, तो इस तरह से हम पलट लेंगे इसको, इस तरह से हमको पलट लेना है। आप देख सकते हैं बहुत ईजी, इस तरह से हम पलट देंगे इसको, पलट के हमको सीधा कर लेना है। तो इस तरह से हम सीधा करेंगे, तो इस तरह से सीधा हो गया है, आप देख सकते हैं। इस तरह से हमको सीधा करने के बाद इसको हम सही कर लेंगे, इस तरह से सीधा करने के बाद सही कर लेना है और इसको हम प्रेस से बैठा लेंगे। तो इस तरह से हमको सफाई से इसको सीधा करके प्रेस से बैठा लेना है। तो इस तरह से हम इसको प्रेस से बैठा लिए हैं, आप देख सकते हैं इस तरह से प्रेस लगा के इसको बैठा लिए हैं। उसके बाद हम इसमें से 3.5 इंच काट लेंगे, इस तरह से 3.5 इंच का हमको काटना है। तो इस तरह से 3.5 इंच हम इस तरह से काट लेंगे, आप देख सकते हैं इस तरह से 3.5 का हमको काट लेना है। तो हम इस तरह से 3.5 इंच का इस तरह से काटेंगे। तो फ्रेंड ये इस तरह से कट चुका है और इसको हम साइड में रखेंगे और एक में हमको इस तरह से डिज़ाइन बनाना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मोती लेना है, मोती को हम इस तरह से इसमें अटैच करेंगे। तो पहले हम इस तरह से डिज़ाइन बनाएंगे इसमें, आप देख सकते हैं। और सुई धागा लेना है, तो हम इस तरह से डिज़ाइन बना लेंगे, आप देख सकते हैं इस तरह से हम डिज़ाइन बनाएंगे और सुई धागा लेंगे और बीच में हमको इसमें अटैच कर लेना है। सुई से इस तरह से हम इसको डिज़ाइन बनाएंगे, आप देख सकते हैं बहुत ईजी है इस तरह से। तो इस तरह से सुई और धागे से हमको बना लेना है और इसमें मोती भी लगाना है, तो बीच में हम मोती भी लगाएंगे। तो मोती को हम इसमें इस तरह से बीच में अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बन जाएगा, आप देख सकते हैं इस तरह से मोती लगाते हुए डिज़ाइन को तैयार कर लेंगे। फ्रेंड ये बहुत ही ईजी डिज़ाइन है, आप बहुत ही आसानी से इसको बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमको मोती लगाते हुए डिज़ाइन को तैयार करना है और यहाँ पर हम इस तरह से लॉक कर देंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमको बना लेना है और ये इस तरह से बन चुका है। उसके बाद हम धागा जो भी रहेगा काट लेंगे इसमें से, आप देख सकते हैं इस तरह से ये डिज़ाइन बन के तैयार हो गया है। तो इस तरह से हमको और भी बना लेना है जो हमने पहले से बना लिया है। तो इस तरह से बनाने के बाद हमको एक कपड़ा लेना है जो हमारे आस्तीन का कलर रहेगा। तो इस तरह से हम कपड़ा लेंगे और आस्तीन को आस्तीन के बराबर हमको काटना है। तो आस्तीन को हम रखेंगे सामने और यहाँ से इसके बराबर काट लेंगे। तो आस्तीन के बराबर हमको काट लेना है, काटने के बाद हम इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे
और जो हमने डिज़ाइन बनाया है तो डिज़ाइन को हम इसमें अटैच करेंगे। तो डिज़ाइन हमको लेना है और इसमें अटैच करना है, तो चलिए हम डिज़ाइन लेते हैं और इसमें अटैच करते हैं एक एक करके। तो आप देख सकते हैं इस तरह से रखना है हमको और इसको सिलाई लगाते हुए अटैच करना है। तो इस तरह से हम सिलाई लगाते हुए एक एक करके अटैच कर लेंगे, एक के बाद एक इस तरह से रखते हुए हमको सिलाई लगा के अटैच कर लेना। फ्रेंड ये बहुत ईजी है, इस तरह से हम बराबर करते हुए इसको अटैच करेंगे, इस तरह से एक के बाद एक रखते हुए। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमको अटैच कर लेना है, जो हमने डिज़ाइन बनाया है सब हम इसमें अटैच कर लेंगे और दूसरी तरफ भी सिलाई लगाते हुए बराबर करते हुए अटैच कर लेना है। तो दूसरी तरफ का भी हम अटैच करेंगे इस तरह से बराबर करते हुए। इस तरह से आप देख सकते हैं दूसरी तरफ का भी हम बराबर करते हुए अटैच कर लेंगे। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं इस तरह से हमको अटैच कर लेना है, ये हो चुका है। और जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा इसको हम काट के निकाल देंगे। तो एक्स्ट्रा कपड़ा इस तरह से काट लेना है, काटने के बाद आप देख सकते हैं इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन तैयार हो गया है। उसके बाद हमको आस्तीन लेना है जिसमें डिज़ाइन बनाना है। तो आस्तीन को हम इस तरह से बीच से काट के दो भाग में कर लेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं काटने के बाद इसको हम डिज़ाइन के ऊपर रखेंगे, इस तरह से रखना है और इसको अटैच कर लेना है बीच में इस तरह से सिलाई लगा के। तो इस तरह से हम सीधा सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से अटैच करने के बाद ऊपर की तरफ भी हम एक दाब की सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमको ऊपर की तरफ दाब की सिलाई लगाना है, ये हो चुका है। इसको हम काट के निकालेंगे और दूसरे साइड का लेंगे, इसको भी हम इस तरह से ऊपर की तरफ रखेंगे और अटैच कर लेंगे। तो इसको भी सिलाई लगाते हुए अटैच कर लेना है और ये भी हमारा इस तरह से अटैच हो गया है। इसमें भी हम दाब की सिलाई ऊपर की तरफ लगा लेंगे। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं इस तरह से ये भी हो चुका है, इसको भी हम काटेंगे और जो भी हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा डिज़ाइन रहेगा इसको हम काट लेंगे इस तरह से। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये तैयार हो गया। उसके बाद जो हमने पहले डिज़ाइन बनाया था इसमें हमको अटैच करना है। तो इस तरह से हम आस्तीन को सीधा रखेंगे और जो हमारा डिज़ाइन रहेगा इसको हम उल्टा रखेंगे इसके ऊपर और सिलाई लगा के इस तरह से अटैच कर लेंगे। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं बहुत ईजी, इस तरह से बराबर करते हुए हमको अटैच कर लेना है, ये हो चुका है। और इसको हम काट के निकालने के बाद सीधा करेंगे और ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे, इस तरह से बराबर करते हुए ऊपर की तरफ हमको सिलाई लगाना है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं इस तरह से ये सिलाई हो गया है और जो हमारा एक्स्ट्रा फ्रिल रहेगा इसको हम काट के निकाल देंगे, इस तरह से काट लेना है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं ये डिज़ाइन बनके तैयार हो गया है, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है और इस डिज़ाइन को आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। फ्रेंड इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप ये दोनों में से कोई भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा है। फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए।